as shown in figure. As shown in figure, a solid sphere of radius of mass m and radius r. As shown in figure, a solid sphere. A solid sphere of mass m and radius r. Rolling. Is rolling with constant velocity v naught. Is rolling with constant velocity v naught on rough horizontal surface. Rolling with constant velocity v naught on rough horizontal surface. If it strikes a vertical smooth wall, normally and elastically, then find pure rolling velocity after collision. Then find pure rolling velocity after collision. As shown in figure. अच्छा, जरूरत नहीं था, इतना लिखवा दिया कि जरूरत ही नहीं था. ऐसे फिर भी लिखवा दिया इसलिए ना, तो कटवा भी तो सकता हूं. न्यू की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको दे दिया मैं. ये रोल करता हुआ गया है, इससे लड़ा है, लड़ने के बाद तो लौट जाएगा, तो उसके बाद प्योर रोलिंग वेलोसिटी बताना है. थ्री वी नॉट बाई सेवन. फेनोमेना आप लोगों को समझ में आ रहा क्या होगा? हाँ,
देखो ये हो क्या रहा है, देखो देखो डिस्कस करते हैं, ये आएगा और ये लड़ेगा ना, ये गया और यहां पे लड़ा, तो होगा क्या यार? जब ये लड़ेगा तो अभी वेलोसिटी इधर थी वी नॉट, अब किधर हो जाएगी, इधर वी नॉट, लेकिन घूमना वैसे ही रहेगा ना, वैसे ही रहेगा, वी बराबर ओमेगा, वी ओमेगा और वी नॉट बाई आर पता भी है, रोलिंग वाला किसका ये रोल करता हुआ जा रहा था, तो ये गया उसका रोटेशन तो ऐसे ही रहेगा, तो जब लड़ा तो वेलोसिटी अचानक इधर था, अचानक तो बदल तो गया, लेकिन क्या नहीं बदल पाया ओमेगा, क्यों नहीं बदला? अच्छा वी अचानक बदल गया पर ओमेगा अचानक क्यों नहीं बदला? वी अचानक क्यों बदल गया? क्योंकि इंपल्स लगा था, तो जब इस पे अचानक इंपल्स लगा, जब लड़ा था ऐसे लड़ा हो तो अचानक इंपल्स लगा, वो इंपल्स तीन तरह का हो सकता था, ऐसा इंपल्स लगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो वाला लगे, या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन वाला लगे, या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वाला लगे, इतनी पॉसिबिलिटी थी, तीनों ही केस बात हो सकता है ना, तीनों केस मैं नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेन भले ही कर दूंगा, तो ये ऐसा इंपल्स लगा कि जितना वेलोसिटी इसको मिला उतना ही उधर मिल गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था लेकिन घूम ऐसे रहा था। अब जरा बताओ तो ये वाला तो पहले वी नॉट इधर था, ओमेगा नॉट आर इधर था, ओमेगा आर दोनों बराबर था, रफ होने के बावजूद भी फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं रहा था, वो जा रहा था, लड़ने के बाद क्या हुआ? घूम ऐसे रहा था तो घूमने के कारण ऐसे ऐसे घूम रहा था ना, तो घूमने के कारण ये वाला पॉइंट इधर ही जा रहा था, और चलने के कारण भी उधर ही जा रहा था, अब तो स्लीपिंग ही हो रहा है ना, तो घूम रहा है ऐसे और स्लीपिंग है, तो इस तरह क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम लोग, हाँ इस तरह का एग्जैक्टली नहीं किए हैं, पर ये तो था ना कि हम लोग दिए हुए थे वैल्यू और ओमेगा नहीं दिए थे, या ओमेगा दिए थे वी नहीं दिए थे, ये सब तो किए हुए हैं, तो किया जा सकता है। तो अब हाँ फ्रिक्शनल फोर्स इस पे पीछे लगेगा ना, और लगेगा कितना? मी एम जी। हम लोग करने के दो तरीके हैं, या तो इक्वेशन हम मोशन से इसको चला लें, अब ये फिर यहां से चलेगा और यहां पे जाके प्योर रोलिंग होने वाला है ना, वी होने वाला है और ओमेगा होने वाला है इसे, और वी बराबर क्या होने वाला है? ओमेगा आर ना, ठीक है। तो हमारे लिए इनिशियल क्या है? लड़ने के जस्ट बाद। अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन से भी तो कर ही सकते हैं ना, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वी नॉट, और रिटार्डेशन म्यू जी, एफ बराबर ए में ट्रांसलेशनल मोशन, ए बराबर म्यू जी, और टॉर्क वाला भी लिख लोगे इसके अबाउट। टॉर्क ऐसे देखो, ओमेगा ऐसे है और टॉर्क ऐसे है, तो टाउ बराबर आई अल्फा, सो टाउ कितना जरा इसका बताओ, टॉर्क कितना है ऐसे? मी एम जी आर बराबर आई कितना? डिपेंड करता है, डिस्क है तो कुछ और होगा, हॉलो स्फीयर है तो कुछ और होगा, और ए बाई आर मत लिख लेना इसको ना, प्योर रोलिंग तो है नहीं, सो अल्फा ना, सो अल्फा कितना हो गया? फाइव म्यू जी बाई टू आर, यही ना। टाइम के साथ ये भी लिख सकते हो कितना वेलोसिटी होगा इसका टाइम के साथ, वी नॉट माइनस म्यू जी टी, इसको भी ओमेगा लिख सकते हो टाइम के साथ, कितना? ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर इधर ना ऐसे ऐसे है तो, और टॉर्क ऐसे लग रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? ओमेगा 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 मालूम भी तो है, वी नॉट बाई आर ना, माइनस फाइव म्यू जी टू आर इंटू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी ना, यही है प्रॉब्लम। किस बात की? आपने से गलती किया जाएगा, फिर से सेंस वाला प्रॉब्लम आ सकता है ना। सेंस वाला कैसा? सेंस वाला, सेंस वाला ऐसे कि ऐसा ना हो कि यही तुम लोग बराबर कर दो ना, ऐसे वी बराबर ओमेगा आर, ये वाला जो है ना ऐसे जो हो रहा था पहले रुकेगा और फिर इधर होगा और फिर उसके बाद इधर होगा,
है ना, समझना ना ये, तो ये प्रॉब्लम एक आ सकता है, वी बराबर ओमेगा आर ना लिख दो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वाला पहले ओमेगा क्या होगा, जीरो होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ओमेगा जीरो हो जाएगा और केवल ट्रांसलेट करेगा। और फिर ये अच्छा ये लगता रहेगा, जब ट्रांसलेट करता रहेगा तो भी तो लगता रहेगा, फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा, तो ये वाला घूम कम होके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर अभी ऐसे ही लगता रहेगा तो ऐसे घूम घूम के फिर इधर हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उल्टा हो जाएगा ओमेगा और फिर से वी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा आर ना। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या लिखना होगा, यहाँ जो ओमेगा है जिस तरह का वैल्यू यहाँ पे, तो एक समय ऐसा आएगा, पहले इसको जीरो कर लेते हैं और फिर इसको बढ़ा के वी बराबर ओमेगा कर लेते हैं ना टाइम, और ये वाला तो घट ही रहा होगा, तो ये भी तो हो सकता है कि हाँ यहीं पे माइनस लिख लें। यदि ओमेगा ऐसे डिफाइन है, ओमेगा ऐसे डिफाइन है तो माइनस ओमेगा लिख लेते हैं ऐसे, हाँ ये भी कर लेंगे तो भी टाइम आ जाएगा, तो ये लिख लो, लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लिख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा यार। कर लो, देख लो ऐसे केस के लिए क्या करना होगा, वी बराबर माइनस ओमेगा आर, या फिर यहीं पे यदि हम लोग ओमेगा इसी सेंस को लिए हो, देखो ये वाला इसको प्लस मान ले क्या, तो इसको ऐसे कर सकते, देखो ना ये वाला उधर प्लस माने हुए हैं तो ये भी सेंस वैसे ही प्लस रहेगा, तो ज्यादा अच्छा है कि हम लोग ऐसे लिख ले क्या, देखो तो क्योंकि वी बराबर ओमेगा थोड़ा गड़बड़ टाइप लग रहा है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं इस यहां के लिए वी बराबर ओमेगा जो लिखना है, मैं सेंस ऐसा लिया हूं कि इधर प्लस मानो, तो यदि मैं इधर प्लस मानो तो इसको क्या कहूंगा, यदि इधर प्लस मानो तो ये क्या है माइनस, अल्फा तो प्लस ही रहेगा, ये ठीक लिखा हो ना, और यहां पे जब मॉड लिखा ही हूं तो अब सही है, ये ज्यादा अच्छा है, अब रख लो ज्यादा अच्छा रहे, तो ऐसे ही बल्कि इसका मतलब साइन का इंपॉर्टेंस था, यदि सही नहीं लिखे होते तो प्रॉब्लम हो सकती थी। ये थोड़ा कंफ्यूजन भी है, गलत होने का चांस भी लग रहा है, बड़ा ज्यादा गड़बड़ लग रहा है, ज्यादा अच्छा होता कि क्या कर लिए होते, एक लाइन लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये आसानी हो जाता थोड़ा। तो वैल्यू रख लिए क्या, वी बराबर क्या रखें बताइए, वी बराबर वी नॉट माइनस बराबर ओमेगा बराबर माइनस वी नॉट बाई आर प्लस फाइव म्यू जी बाई टू आर टी इंटू आर। टाइम निकालो जरा, टाइम कितना है बताओ, हाँ टाइम कितना आया, सॉल्व किए तुम लोग, 4v0/7 म्यू जी, 4v0/7 म्यू जी, इसको कहां रखना पड़ेगा हम लोगों को, यहां पे देखो, तो प्योर रोलिंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जरा बताओ, हाँ 3v0/7 और ओमेगा मालूम नहीं है, बाई आर कर लेना, कोई टू भी बता रहा था क्या, कोई टू भी बता रहा ना, तो कोई टू बता रहा था फोर ऐसे, अच्छा ऐसे करने से टाइम भी आ गया ना, लर्निंग के कितने देर तक स्लिपिंग हुई है या कितने देर बाद प्योर रोलिंग शुरू हुआ है, तो ये टाइम ये है ना,
कितने दूरी बाद शुरू हुआ है तो नहीं बताते हुए कितने दूरी बाद, जो जैसे ये लिखे हो वैसे लिख सकते हो s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। कितनी दूरी बाद प्योर रोलिंग शुरू हुआ ये भी बता सकते हैं आप लोग, ये भी बता सकते हैं कि स्लीपिंग के दौरान कितनी एनर्जी लॉस हो गई, कितनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल ज्यादा रहा होगा फाइनल कम हो गया होगा, तो उसमें से इनिशियल में से फाइनल, इस तरह की बात तो कर ही चुके हैं हम लोग है ना। छोटे में किया जाए अल्टरनेटिव मेथड लिखो, सेकेंड मेथड लिखो, एक लाइन लिखेंगे आंसर आ जाएगा। ये तो बड़ा इसमें गलत होने का काफी ज्यादा चांस था क्या, और वे बराबर ओमेगा रखना टाइम और पता नहीं प्लानिंग भी थोड़ा वीक हो रहा था, पता नहीं क्या करेंगे, बीच में एक बार लगा था ओमेगा जीरो हो जाएगा तो उसके लिए और लंबा फ्लोप कर सकते थे, एक बार मन में आना कि पहले रुकेगा फिर उधर होगा फिर और आगे जाएगा पता नहीं क्या होगा, तो थोड़ा छोटे में कर दिया ओमेगा को सही लिख के और वे बराबर ओमेगा आर भी लिख दिया उस साइड में करके। तो V बराबर ओमेगा आर से ये करके हम लोग थोड़ा लंबा कर लिए। अल्टरनेटिव मेथड लिखे, अल्टरनेटिव मेथड के लिए क्या करना हो बताओ, सेकेंड मेथड ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पी इसके अबाउट जो अच्छा इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऐसा नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम पहले लर्ने से पहले और लर्ने के बाद कंजर्व है, ये नहीं है, लर्ने में पहले और लर्ने के बाद कंजर्व है कि नहीं, क्यों टॉर्क लगा है इसका, इसके अबाउट टॉर्क लगा है, तब ये कौन क्या लिखूं तो क्या करूं, एल आई बराबर एल एफ, ये डिफाइन करना पता है, एनर्जी कंजर्वेशन भी बताना होता है कब से लेकर कब तक है ना, ये वाला कब से है, लर्ने के जस्ट बाद वाला है, पहले वाला नहीं तो कंजर्व है ही नहीं, तो लर्ने के जस्ट बाद वाला आई वाला कब है, प्योर रोलिंग हो गया है तब है, लिखे अच्छा इन दोनों का तो इधर ही बाहर ही होगा तो क्यों ना बाहर ही प्लस मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा बाहर प्लस मान के लिखते हैं, तो इसके अबाउट लड़ने के जस्ट बाद जरा एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट बताओ, तो ये वाला बाहर बाहर प्लस मान ले, अच्छा ये मानना पड़ता है, यदि नहीं माने तो गड़बड़ हो जाएगा ना, साइन उन सही मानोगे लिखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा ना, बाहर क्या लिखें एम वी नॉट आर, हाँ अच्छा ई वाला तो घूम ऐसे रहा था ना तो कितना माइनस आई ओमेगा, ओमेगा मालूम है ना ये है, क्यों आई ओमेगा माइनस किए समझ में आ रहा ना, ऐसे है तो अंदर है ना और बाहर प्लस मानेंगे थे, ठीक है इनिशियल, अब कुछ स्लिप लिप हो के चेंज उंज हो के और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों समझ में आ रहा ना, कहीं भी किसी मोमेंट पे एनजी और नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो ही होगा, ये आगे भी बढ़ जाए तो भी पी को बदलने वाला मैं नहीं हूं, पी यही रहने दे कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रिक्शन भी जो लेगा वो कहां से पास करेगा, यहीं से, यही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहीं से पास करे, आगे चला जाएगा तो भी, मतलब यहां पर सरक रहा है तो भी देखिए फ्रिक्शन कहां से पास कर रहा है, देखिए पी से पास कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग है, बराबर बराबर ये वाला एम वी आर प्लस ना एम वी आर और ऐसे ही बाहर ना घूमने वाला भी बाहर आई ओमेगा ट्रांसलेशनल रोटेशनल, जरा देखो तो कितना आया 3v0/7 ही आ रहा है, 3v0/7
अच्छा परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो क्या होता? आता यहीं पे लड़ता और यहीं पे नाच के यहीं पे रुक जाता। तो ये तो क्वेश्चन बनता है कितने देर तक नाचेगा, कितने देर तक नाचेगा, कितने देर तक रोटेट करेगा, कितना कितना चक्कर मारेगा, कितनी एनर्जी लॉस होगी इस कोलिजन के फाइनली जब रुक जाएगा तो जितनी रही होगी कुछ लॉस हो जाएगी यार, क्या कुछ लड़ने में लॉस हुई होगी और कुछ घूमने में, बता सकते हो कितनी लड़ने में कितनी घूमने में? ट्रांसलेशनल वाला लड़ने में, रोटेशनल वाला घूमने में, रेशियो ही पूछा जा सकता है, वही रेशियो होगा जो हम लोग निकाले थे काइनेटिक एनर्जी वाला, रेशियो ऑफ लॉस ड्यूरिंग कोलिजन एंड ड्यूरिंग स्लीपिंग ना। तो अच्छा पार्शियली इलास्टिक कोलिजन होता है, ई बराबर 1/2 दे, चाहे ई ही वर्ड में लेटर में दे दे कि ई ही है तो क्या करोगे? ई बराबर बहुत बड़ा सा मत लिखना, ई बराबर सेपरेशन बाई अप्रोच, तो कि ये कितना हो जाएगा? ई ही नॉट हो जाएगा, बताया भी होगा लड़ते ही कितने रेस्ट वाले सर्फेस से लड़ने का ई वी नॉट हो जाता है, तो ई वी नॉट से लेके चले होते और क्या। सो दिस वी नॉट कितना प्योर रोलिंग वेलोसिटी होता है? 3 ev0/7 है ना, लड़ने के बाद तो ev0 हो जाता है, v0 इज रिप्लेस बाय ev0। ऐसे कठिन क्वेश्चन बनाओ क्या इसी में? माना ये भी रफ है। अच्छा आप लोग देखे थे कि म्यू पे डिपेंड नहीं करता है, आप लोग ध्यान दिया कि म्यू नहीं दिया था तभी म्यू ज्यादा हो, मान लो म्यू कम है म्यू ज्यादा है, प्योर रोलिंग वेलोसिटी जब म्यू कम है तो वी वन है, म्यू ज्यादा है तो प्योर रोलिंग वेलोसिटी वी टू है, तो वी वन बराबर वी टू है क्योंकि म्यू नहीं आता है ना। अच्छा तो सोचने में तो लगता है कि आना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है क्यों नहीं आता है या फिर रहेगा? म्यू कम ज्यादा रहेगा तो क्या अंतर पड़ेगा ये बताओ? टाइम का और दूरी का, कितने दूर बाद प्योर रोलिंग होगा या कितने देर बाद प्योर रोलिंग होगा इस पे डिपेंड करेगा। म्यू कम होगा तो ज्यादा दूर और ज्यादा टाइम बाद प्योर रोलिंग होगा, पर जब होगा ना तो इतना ही होगा, जब होगा तो इतना ही होगा, लॉस भी उतना ही होगा, ये देखिए लॉस भी उतना ही होगा, बस दूरी और टाइम बदल जाएगा। म्यू बहुत ज्यादा दे देंगे तो बहुत जल्दी ही प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा और बहुत कम टाइम में शुरू हो जाएगा। म्यू टेंडिंग टू जीरो दे देंगे तो इनफाइनाइट दूरी बाद, इनफाइनाइटली लार्ज दूरी और इनफाइनाइटली लार्ज टाइम बाद होगा, पर जब होगा ना इतना ही होगा, जब हो रहा होगा वहां पे तो इतना ही होगा, लॉस भी सेम रहेगा। इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि म्यू की जरूरत पड़ी नहीं थी। अच्छा यहां लग रहा था कि पढ़ रही है, इन समय पढ़ रही, लेकिन लास्ट में नहीं आया था, अंत में नहीं आया था, शुरू शुरू में तो कुल दिख ही रहा था। कई बार तो ऐसा जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन किए इस तरीके से और अंत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो, और फिर भी ऑप्शन मारना चाह रहे हैं तो कुल दिख रहा होता है, तब तो म्यू दिख ही रहा है और लिखा हुआ कि डिपेंड्स प्योर रोलिंग वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन म्यू, तब तो वही वाला मारेंगे एक छो मल्टीपल च्वाइस में और गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जिस समय थोड़ा दूर तक गए होंगे और देखे होंगे सब दिख रहा है तो आप लोगों को लगेगा डिपेंड करेगा लेकिन लास्ट नहीं करता है। तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन बनाता हूं, ये तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था, थोड़ा कठिन बनाता हूं ध्यान से। यदि ये भी रफ होता और म्यू दिया रहता, म्यू तो इस पे है, म्यू दे रहा हूं तो लड़ने के बाद क्या होगा? ओमेगा चेंज हो जाएगा, टॉर्क लगेगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और म्यू दिया हूं, या पार्शियली इलास्टिक है और म्यू दिया हूं तो लड़ेगा, लड़ेगा और यहां से जंप कर जाएगा, पता है यहां से कूद जाएगा। ये आप लोगों को बताना है कि उसके बाद रेंज कितना होगा, व्हाट इज रेंज आफ्टर कोलिजन? एक जंप क्यों कर रहा है यार ये? जब ये घूमते हुए जब आ रहा था यहां पर लगा था ना तो यहां पे स्लिपिंग हुई थी, और जब स्लिपिंग हुई थी तो बहुत हाई ऑर्डर का इंपल्स लगा था
यदि ये वाला इंपल्स हाई ऑर्डर का है तो ये वाला भी इंपल्स हाई ऑर्डर का होगा, और उसको अचानक वेलोसिटी मिल जाएगी किधर की तरफ, वर्टिकल, तो ये वाला तो इसे वी नॉट मिला ही होगा, एक ऊपर भी मिल जाएगा, और उसके बाद एक क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। सो केस बना लो, केस बना के लिखो। अच्छा एक क्वेश्चन ही लिख लो, कंसीडर प्रीवियस क्वेश्चन, इफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कंसीडर प्रीवियस क्वेश्चन, इफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड स्फीयर एंड वर्टिकल वॉल इज म्यू, कंसीडर प्रीवियस क्वेश्चन, इफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वर्टिकल वॉल एंड सॉलिड स्फीयर इज म्यू, देन फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ स्फीयर आफ्टर कोलिजन, देन फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सॉलिड स्फीयर आफ्टर कोलिजन। थोड़ा सा डरावना लग रहा है क्या ये? पहले तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि उछलेगा ये। कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? इंपल्स वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया, इस तरह की बात तो मैं किया हूंगा। हाँ न्यू गिवन है, लिखवाया तो था। वी नॉट स्क्वायर मी स्क्वायर बाय जी, देखते हैं। देखो जब आया होगा ये और लड़ा होगा तो यहां से ये जंप क्यों कर रहा है और यहां पे क्यों गिरा, वो देखो ना। इसे इधर की तरफ वेलोसिटी तो मिल गई वी नॉट, पर इधर की तरफ वेलोसिटी क्यों मिली वी वाई, वो मैं बता रहा हूं ना। हुआ ये कि जब आके ये लड़ा था तो यहां पे स्लिपिंग हो रही थी। नॉर्मल इंपल्स कितना लगा बता सकते हो तुम लोग? इंपल्स किसे कहते हैं? देखो तो आई एक्स बराबर एन डी टी, सही है एन डी टी, इधर प्लस माना हूं मैं, फाइनल मोमेंटम प्लस माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये समझ में आ रहा है? इनिशियल मोमेंटम है माइनस,
यदि कोई चीज v से लड़े और v से ही आए तो कई लोगों को लगता है चेंज इन मोमेंटम जीरो है, 2mv होता है ना। तो ये कितना हो गया, 2mv नॉट है, इंपल्स है ना, ठीक है। अच्छा ये जो इंपल्स इधर लगा है तो यहां पे स्लीपिंग है, और स्लीपिंग हमें मानना है बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो हमेशा अभी स्लीपिंग है, इनमें मान लीजिए कि रोक नहीं पाया है, स्लीपिंग हो रही है तो बहुत कम टाइम का मानना हो, तो ये ऊपर इंपल्स लगा होगा आई वाई बराबर म्यू एन डी टी, म्यू एन समझ में आ रहा है, म्यू एन फ्रिक्शनल फोर्स, ये ऐसे होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लेगा, वॉल पे नीचे लेगा और इस पे ऊपर लेगा। और थोड़ी देर के लिए मैं एमजी को छोड़ रहा हूं ना, पता है ना कि क्यों छोड़ रहा हूं, एमजी एमजी डीटी टाइम में थोड़ी कुछ कर लेगा, हाँ बाद में करेगा जब उड़ रहा होगा तो करेगा इस समय, तो ये सारी चीज जाननी चाहिए। अब मैं ऊपर प्लस मान रहा हूं इसी को, नीचे भी प्लस मान सकता है, माइनस लिख देता हूं यार, तो ऊपर ज्यादा अच्छा है कि ऊपर ही जाना भी है। फाइनल मोमेंटम जरा बताओ तो, अब अच्छा अब ये वाला देख रहे हो तो ये वाला मत देखना, जरा फाइनल मोमेंटम बताओ एम वी वाई और माइनस इनिशियल जीरो, अरे शुरू में कहा था सही है, म्यू बाहर एनडीटी एम वी वाई, एनडीटी जानते हो ना, ये व्हाट इज वैल्यू ऑफ एनडीटी, व्हाट इज वी वाई, एक और किस में मान के चल रहा हूं, ध्यान सुनो, मैं मान के चल रहा हूं कि वो जब वहां पे जाके लड़ा था तो स्लीपिंग, वैसे तो रियली में यही होता है कि स्लीपिंग को हम लोग मानते हैं कि वो ऐसे अचानक नहीं रुक सकता, लेकिन बहुत हाई ऑर्डर का यदि टॉर्क लगा तो हो सकता है रुक भी गया हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि रुका नहीं है स्लीपिंग, पूरे टाइम में जितने टाइम डीटी टाइम के लिए लड़ा था उस समय क्या हो रहा था, स्लीपिंग हो रहा था, पूरा ये म्यू एन लग रहा था, म्यू एन कम मानोगे जब तक स्लीपिंग होगी, नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम भी तो लग सकता है, तो मैं स्लीपिंग हो रहा था और मैं मान के चल रहा हूं कि इतना अचानक कम नहीं हुआ और जीरो नहीं हुआ, म्यू एन पूरा लगा, स्लीपिंग तो हो ही रहा था, समझ में आ रहा स्लीपिंग हो रहा ना, इस समय लड़ा था। अच्छा वी वाई मिल गया और वी एक्स तुम्हें मालूम ही था, ये वी एक्स तो क्या अब निकाल नहीं पाओगे, टाइम किसे निकालोगे बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, याद है आप लोगों को, टू वी वाई बाई जी होता है, कितना होता है, तो कितना हो गया ये टू टू म्यू वी नॉट बाई जी, और रेंज ये जो तुम्हें दिख रहा है ये रेंज, ये रेंज कितना होता है यार, वी एक्स इंटू टी होता है, वी एक्स कितना है वी नॉट और टी कितना है फोर म्यू वी नॉट बाई जी, तो कितना हो गया फोर म्यू वी नॉट स्क्वायर बाई जी, ये आंसर है, यही याद है। लिख ली तुम लोग, एचसीवी तुम लोग बना लो, कितना बाकी है, कितने लोग का 10 से कम बाकी है, 10 से कम बस एक ही तो बना रहे हो तुम लोग, एक्सेल बैच फर्जी है क्या यार।
अपने से बना जाए जितना इस लेवल का पढ़ा रहा हूं अब को तुमको इरोटो में भी नहीं मिलेगा ये सब जो तुम्हें तुम्हें बता रहा हूं। इरोटो को जो सबसे जनरल फिजिक्स में सबसे टफ माना जाता है। खुशी लिखो तो सोन फिगर as shown in figure, a disk of mass m and radius r, a disk of mass m and radius r mass m and radius r is free to rotate in horizontal plane about its vertical axis. A disk as shown in figure, a disk of mass capital M and radius r is free to rotate in a horizontal plane about its vertical axis. If two bullets, each of mass m, are fired with velocity v naught, with respect to ground, horizontally and tangentially, at distance r by 2 from center, then find angular velocity of disk after firing. एक लाइन लिखते ही आंसर आएगा, एक लाइन। देखने में तो फोटो भी बहुत डरावना टाइप लग रहा है। अच्छा, जो वेपन है, जो गन है, उसका मास जीरो लेना है, या फिर यू कह लेते कि उसका मास भी दे सकते थे, पॉइंट मास मान लेते, कह देते कि उसका भी मास स्मॉल एम है, है ना। अच्छा, जो फायरिंग बुलेट है उसका स्मॉल एम ले लेना ना, और डिस्क का कैपिटल एम मास लिखो, फायरिंग बुलेट का स्मॉल एम लिखो, गन का भी मास दे सकता था, अभी मासलेस लेना है, मास नहीं है उसका। मैं ऐसे कर देता या मास देके कर देता कि भाई ऐसा डिस्क और गन मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ऐसे देता। बहुत सारी संभावना है, फर्क नहीं पड़ता, आपको करने आना चाहिए।
फंडामेंटल पर ज्यादा बिलीव करना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन में उसको देखना चाहिए कि क्या दिया है उसके अनुसार लिखना, आई लिखना है, गन का मास दिया, ठीक है। कई लोग तो एक तरह का करके सोचते हैं दूसरे तरह का हो गया तो अब कैसे होगा, अरे इनर्शिया है, दूसरे तरह के क्या होता है, फंडामेंटल तुम्हें पता होना चाहिए इनर्शिया लिखना है, एंगुलर मोमेंट कुछ भी दे ले, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लिखना है, चाहे कैसे भी दे ले यार, कुछ भी दे ले यार, कुछ भी दे लेंगे तो तुम्हें बड़ा अजीब अजीब सा लगेगा, लेकिन जो जो तरीका है, जो फंडामेंटल है, बेस है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अब आई को पता नहीं कैसे कैसे लिखवा लें आपसे, तब उस ठीक है ये करना है आपको, जल्दी से फटाक से करिए। अबाउट दिस पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहे आप लोगों, ये देखिए एक डिस्क है ऐसे, ये फ्री है, घूम सकता है, और फोटो में तो दिख रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट है, और टेंजेंशियली इसे बोलते हैं, इसको मैं टेंजेंशियली की जगह और कठिन बनाने के नाम पे थोड़ा सा लिख दे कि फायरिंग हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस वेक्टर, ना पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, मतलब ये सब लिखा रहता है तो डरा लगता है, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, सुनने में तो लग रहा है कुछ यही एक घातक है, तो टेंजेंशियल ऐसे ऐसे फायर किया गया है, ये सेंटर है, एक ऐसे फायर किया गया है, और एक ये भी मेंशन कर सकता है कि डायमेट्रिकली अपोजिट थे, आर बाई टू डिस्टेंस पे थे, और अपोजिट डायरेक्शन में फायर किए गए हैं, एक ही डायरेक्शन में फायर कर दिए होते तो रुका रह जाता। हाँ तो अबाउट दिस ओ, अबाउट ओ, और बहुत जरूरी है फॉर होल सिस्टम ना, होल सेटअप, होल सेटअप मतलब पूरा, मतलब बुलेट टुलेट सब मिला के, केवल डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, केवल बुलेट का, एक बुलेट का कंजर्व है, ए, किसी का नहीं है, कुल मिला के है, बहुत जरूरी यही तो देखना है ना सिस्टम। So, लिखता एल आई बराबर एल एफ, डिफाइन करना होगा एल आई का कब है, बिफोर फायरिंग, एल एफ कब है, आफ्टर फायरिंग, वो इज एल आई बिफोर फायरिंग, जीरो तो जीरो हो गए, ऊपर प्लस मान लेते हैं, ऊपर प्लस, तो ये जो फायर हुआ है प्लस, ये जो फायर हुआ है वही प्लस, तो लिख लेते हैं। अच्छा हाँ, इसके फायर होने से ये उल्टा घूमने वाला है, ओमेगा उल्टा घूमे, क्यों उल्टा घुमा रहा हूं, अच्छा उधर ही घुमा दे रहा तो नहीं आता, माइनस आ जाता, वो अपने आप बताने लगता है कि क्या हो रहा है ना, थ्योरी सही लगाने पे, वो भी जीरो तो लिख ही दिया हूं, तो जीरो तो दोनों प्लस प्लस से जीरो हो जाएगा, अपने आप माइनस आ जाएगा। तो चलिए इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो ये जो फायर हुआ है एम वी नॉट आर बाई टू, बोलो अरे एम वी डी ना, इंटू टू, वो इंटू टू दोनों के लिए, इसका भी ऊपर और उसका भी ऊपर, इसका भी ऊपर, और ये दोनों फायर ऐसे हुए तो घूमेगा ऐसे, इमेजिन कर पा रहे हैं, हाँ उल्टा घूमेगा। सो अच्छा डिस्क जब ऐसे घूमेगा तो ऐसे ना पीछे, अच्छा ऐसा क्यों हुआ वो तो बता दो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, मान लो एंगुलर मोमेंटम हम जानते नहीं कि ये क्या होता है, तो मान लो एंगुलर मोमेंटम नहीं जानते हो तो और भी तरीके हैं ना एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो बुलेट है ना इस पे इंपल्स लगा हुआ उधर वेलोसिटी देने के लिए, इंपल्स मतलब यदि कह दो कि सर इंपल्स भी नहीं जानते हैं तो फोर्स लगा होगा, अब हर जगह अब फोर्स मत करे ना, अब हर जगह कुछ जानते ही नहीं हो, सो फोर्स लगा होगा थोड़ी देर के लिए हाई ऑर्डर का, तो हाई ऑर्डर का उस पर फोर्स लगा होगा तो एक्शन रिएक्शन से इधर भी तो लगा होगा उस पर, तो बुलेट पे उधर, बुलेट पे उधर तो गन और कुल सिस्टम मिला के इधर, तो क्यों घूम रहा है समझ में आ गया, इस पर इधर लगा होगा, उधर लगा होगा, इधर फायर हुआ है तो डिस्क पे उधर लगा होगा, वही टॉर्क है ना, तो कुल मिला के वो जो एंगुलर इंपल्स है टॉर्क टाउ डी टी, जैसे एफ डी टी इंपल्स होता है,
तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, उसी से अच्छा वैसे लिख के भी तो कर सकते थे, माना एंगुलर मोमेंटम नहीं जानते हैं ऐसे, ये तो छोटा हो गया ना, तो ऐसे सो माइनस आई ओमेगा, व्हाट इज आई, एम आई स्क्वायर बाई टू, गन उन दे दिए होते तो गन का मास दे दिए होते तो पॉइंट मास मान लेते, वो भी जोड़ लेते यार, मान लो गन का मास एम डैश है तो क्या लिखते, एम डैश इंटू आर बाई टू स्क्वायर, एम डैश इंटू आर बाई टू स्क्वायर जोड़ लेते यार आई में, और यह कर लेते, कर लेते ऐसा है कि गन भी है और गन का मास उस नहीं है और डिस्क उसके नॉन यूनिफॉर्म जो भी है, हम बता रहे हैं टोटल मिला के इनर्शिया गन प्लस वो सब और आई है, तब तो आई ही है, तब तो यही सही आई है बाय आई डिवाइड हो जाएगा। सो कितना वैल्यू आया ओमेगा, कितना, टू वी नॉट, टू एम वी नॉट बाय एम आर, ये समझ में आप लोगों को। अच्छा ये बताओ कि यदि ये जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हो, कर तो ये डिस्क के रिस्पेक्ट में फायर हुआ है एट द टाइम ऑफ फायरिंग, हाँ यदि इसकी वेलोसिटी कितना लिखा, यदि ऐसे केस बना लो, केस लिख लो, इफ वी नॉट इज विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क जस्ट आफ्टर फायरिंग, इफ वी नॉट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क जस्ट आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद ना, एट द टाइम ऑफ फायरिंग ऐसे, नॉट जस्ट बिफोर फायरिंग, थोड़ा सा टाइम डीटी तो होता ही है, थोड़ा सा दिक्कत होता है ये वाला प्रॉब्लम में, तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क तो हम लोग मजल स्पीड बोलते हैं। अच्छा मजल स्पीड कहते तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क ही होता है ना, सो हाँ सो क्या तब क्या चेंज क्या होगा, ये वाला पॉइंट इधर है वी नॉट, तो इधर ओमेगा आर हो ही गया होगा है ना, तो रियल वेलोसिटी लेना है, ये वाला रियल ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है, तो पिछले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि वही दिया था, लेकिन अब क्या लिखना पड़ा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है और दिया है डिस्क के रिस्पेक्ट में, क्या लिखना पड़ेगा, V नॉट माइनस हाँ ओमेगा आर बाई टू, क्या लिखना है ओमेगा आर, उसी पॉइंट पे ना, उसी पॉइंट पे रिलेटिव, सो इसको रिप्लेस कर लेंगे V नॉट माइनस ओमेगा आर बाई टू और V नॉट माइनस ओमेगा आर बाई टू, यहां पे V नॉट माइनस ओमेगा आर बाई टू, बस रिप्लेस करना है बस और क्या, बाकी तो ठीक ही है। एक और क्वेश्चन पूछूं इसी में, पूछता हूं जरा बताइए तो ध्यान सुनिए, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। और एक साथ फायर किए गए, हालांकि मेंशन नहीं किया था वो एक से एक ही साथ था, एक साथ फायर किया गया तो ये ओमेगा था, और जब अलग अलग फायर किया गया तो ओमेगा डैश था, एक बार इसको फायर कर दिया गया और थोड़ी देर बाद इसको फायर किया गया तब ओमेगा डैश था, आपको बताने कौन सा ज्यादा था या दोनों बराबर था, जो अलग अलग फायर किया गया तो ज्यादा था हा? कम था हा? दोनों का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी नॉट था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फायर किए गए दोनों, और दोनों का ही बुलेट का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी नॉट था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन समझ में आया, एक बात है कि दोनों को साइमल्टेनियस फायर कर दिया गया और ये उल्टा घूमने लगा, और एक बार इसको फायर किया जाएगा तो घूमने लगेगा ना, और फिर इसको भी फायर बहुत तेज घूमने लगेगा, तो फाइनली यदि अलग अलग फायर किया जाए और एक साथ फायर किया जाए तो क्या अंतर होगा, हाँ कितने लोग सोचते हो कि सेम ओमेगा अचीव करेगा जो डिस्क है, कितने लोग सोच रहे अलग अलग करेगा, भले ही अभी इनइक्वालिटी नहीं मालूम है अलग अलग करेगा,
आंसर है सेम करेगा। क्यों सेम करेगा मालूम है? क्योंकि क्योंकि ये वाला कुछ और लिखोगे फाइनली फायर करने के बाद कुछ नया नाटक क्या है, टाइम इंटरवल ही तो बदल रहे हो। तीनों से अलग अलग फायर करोगे तो क्या शुरू में और फाइनली टॉर्क तब भी नहीं लगेगा, और लिखोगे यही तो आएगा कहां से नया? जानते हो कब अलग अलग होगा? जब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क फायर होगा ना, तब अलग अलग हो जाएगा। आप लोगों को वही याद आ रहा होगा। तो कब अलग अलग होगा? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। क्यों क्यों अलग अलग हो जाएगा? क्यों? हाँ, क्योंकि जब वो घूम रहा होगा, दूसरा फायर कर रहे होंगे, तो कुछ और बात हो रही होगी। जब आप घूम रहा होगा उस समय फायर कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, तब तो ये समझ में आया अलग अलग में क्या होगा। तो फिर से आपको एक फायर करने के बाद दूसरा फिर से आपको लगाना पड़ेगा कि कितना ओमेगा आ चुका है। एक फायर करने के बाद ओमेगा तो बता दोगे ना, एक फायर करने के बाद क्या ओमेगा होगा बताओ? ये टू मल्टीप्लाई नहीं करोगे है ना, और इसमें एक बुलेट वहां पे रहेगा तो जोड़े रहोगे, आई में जुड़ा भी तो रहेगा, स्मॉल एम आर स्क्वायर। गन का मान मत मानो, वैसे अच्छा होता कि गन का भी दिए रहते हैं, पता चला कि बुलेट का ले रहे हैं गन का ले ही नहीं रहे। ये देखिए बुलेट का मास है गन का मास ही नहीं है, तो पता नहीं किस बात का गन है। यदि ऐसा हो जाए कि बुलेट का मास हो और गन का मास ना हो, और चाहे बहुत कम हो, तो क्या होगा मालूम है? जितना जितना ज्यादा से बुलेट फायर करेंगे उससे कहीं ज्यादा से वो गन भागेगी हो जाएगा। पता चला कि जिसको मारे उससे ज्यादा आप ही को मार के जाएगा वो गन वाला। क्या हुआ? उल्टा अपने को बुलेट से होगा बाकी लोग गन से। अच्छा अपनी तरफ नहीं करके बगल में ना, बुलेट उधर जाए गन से मारेंगे उसको। कुछ लिखिए, कौन सा नहीं, जब जब रिलेटिव दिया होता है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअल निकालने के लिए वेक्टोरियली सम किया जाता है। वेक्टोरियली सम करें ना कितना होता, तो ये याद रखना चाहिए आप लोगों को। जब रिलेटिव मालूम रहता है तो एक्चुअल मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, जैसे रहता है वैसे ही जोड़ना होता है ना। उल्टा है तो मतलब घट गया होगा, एक ही तरफ है तो बढ़ गया होगा, ऐसे ना। जैसे मान लो मैं ट्रेन में चल रहा हूं वी नॉट से, और वी से कोई चीज फायर करूं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इधर ही ट्रेन चल रही है तो कितना कितना वेलोसिटी हो जाएगा, जोड़ना है। और इधर ट्रेन के रिस्पेक्ट में इधर फायर करूं तो अभी भी जोड़ना है, घट जाएगा। सिंपली वैसे ही डायरेक्शन के साथ जोड़ना होता है। घटाना कब होता है? जब आपको एक्चुअल मालूम हो तो रिलेटिव में घटा जाता है। अब रिलेटिव दे ही रहा हो तो जोड़ना है ना। रिलेटिव दे के रिलेटिव दिया हो तो एक्चुअल निकालना, और एक्चुअल दिया हो तो रिलेटिव निकालना, तो रिलेटिव में घटाया जाता है। और एक्चुअल निकालने के लिए जब रिलेटिव दिया होता है तो जोड़ना होता है, वेक्टोरियली जोड़ना होता है। जोड़ना नहीं, वेक्टोरियली जोड़ना, डायरेक्शन के साथ जैसे रहेगा, उल्टा रहेगा तो घट गया होगा, एक तरफ होगा तो जुड़ गया होगा, है ना। परपेंडिकुलर रहेगा तो वही वेक्टर वाला जो जोड़ना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 60 डिग्री पे है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये समझ में आया? तो क्वेश्चन लिखिए, अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, a disk of moment of inertia I naught is rotating with constant angular velocity 2 omega naught
is rotating with constant angular velocity 2 omega naught in horizontal plane freely. In horizontal plane freely. If another disk of moment of inertia 2i naught, if another disk of moment of inertia 2i naught rotating with angular velocity omega naught is rotating with omega naught in same direction is gently kept on first disk is gently kept on first disk coaxially. If both disks are rough, then find first part. Common angular velocity. दूसरा पार्ट एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग स्लीपिंग. Next, average torque on one disk, if time of slipping is T naught, करिए. आईटी में पैसेज में आ चुका है. Four by three omega naught.
एनर्जी लॉस कितना? कितना बाय थ्री बता रहे हैं? बाय थ्री, थ्री बाय नाइन। अच्छा, मतलब कहते भी नहीं। चलिए मैं करता हूं, देखिए इधर देखिए, एक डिस्क है, ये घूम रहा है ना, ओमेगा नॉट से, टू ओमेगा नॉट से घूम रहा है, और इसका आई नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक और डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, टू आई नॉट है, और सेम सेंस में घूम रहा है ओमेगा नॉट से, और इसको इसी पे धीरे से रख दिए, जेंटली मतलब धीरे से ग्रेजुअली आराम से उसको रख दिए इसी पे। वैसे क्वेश्चन तो यही बनता था ना कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक ऐसे घूम रहा है और एक और चीज को तेजी से घूम रहा था वो, एक धीरे से चीज को घुमा के, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये भी हो सकता था कि मैं इसको धीरे से रखी देता, घूम नहीं रहा होता। वैसे जनरली तो घुमा के रखना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे उस पर रख देना ही ज्यादा एक बनता, लेकिन आई टी में आया हुआ तो वही वाला करवा दिया, तो उल्टा भी घुमा के रखा जा सकता है, हैं? बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, इनर्शिया को बदला जा सकता है, मास दे देते, रेडियस दे देता, अलग अलग सब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तरीका आना चाहिए, तरीका जो उसका जो फंडामेंटल है वो आता है तो ठीक है, बाकी कोई क्या देता है डायरेक्शन उल्टा कर ले ना देख ठो घूमता हुआ, सो क्वेश्चन समझ में आया, घूम रहा है से और इसी पे इसको रखना है, सेम सेंस ऑफ रोटेशन है फिलहाल। रफ है तो आप लोग इमेजिन कर रहे हैं कि क्या होगा, रख देंगे तो जो बहुत तेज घूम रहा होगा और जो धीरे धीरे घूम रहा होगा, तो जो धीरे धीरे जो बहुत तेज घूम रहा होगा उस पर फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, और जो धीरे धीरे घूम रहा है उसको सपोर्ट करेगा, जो धीरे धीरे घूम रहा होगा और ज्यादा होगा, और जो तेजी से घूम रहा होगा और कम होगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों साथ साथ घूमने लगेंगे। इमेजिन कर पा रहे कि आप कॉपी को, कोई चीज घूम रहा होगा उसको कॉपी पर रख दीजिएगा, हो सकता है स्लिपिंग वाला टाइम ना दिखे, रखते ही वो, लेकिन स्लिपिंग होता है, दिखता नहीं है, इतने कम टाइम तक स्लिप पता नहीं चलता, उसी के साथ घूमने लगता होगा। ये नहीं हो सकता कि आप कॉपी रख दें स्लिपिंग ना होता हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इतना कम टाइम के लिए होता है कि वो ऑब्जर्वेबल होते ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते ना, तो स्लिपिंग होगा, फिर साथ में घूमने लगेगा, जब साथ में घूमने लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा, है ना, रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा हर पॉइंट पर, और साथ से घूमेगा। देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ सिस्टम, जो भी अंदर में फ्रिक्शन टॉर्क वर्क लग रहा होगा, किसी का ज्यादा कम हो रहा होगा, कुल इंटरनल है। यदि ऐसा है तो ये जो रख देंगे यहां पे ओ के अबाउट, अबाउट ओ, अबाउट ओ, एल कंजर्व होगा, बहुत जरूरी है कहना कि किसका किसका ना, फॉर बोथ डिस्क ना, बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि यही नहीं पता है किसका, एक का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एक का क्यों नहीं होगा, दूसरा टॉर्क लगा रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, टॉर्क बोलो, फ्रिक्शन भी ठीक है, लेकिन पहला जो पहला वर्ड वो जो जरूरत वाला बोलो, टॉर्क कहा जाता है कि टॉर्क लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, तो किसी एक का नहीं होगा, क्यों एक का नहीं होगा, क्योंकि एक लोगे तो टॉर्क लग जाएगा, दूसरा लोगे तो भी क्यों टॉर्क लग जाएगा, दोनों लोगे तो हाँ, तो तब टॉर्क नहीं लगेगा, नेट जीरो है। ये है, इस तरह की बातें तो बहुत पहले से एनएलएम से चली आ रही है। एल आई बराबर एल एफ क्या लिखूं बताओ, जरा सेंस देख के बताओ, तो दोनों का ऊपर, दोनों का ऊपर बताइए कितना, आई नॉट इन टू टू ओमेगा नॉट प्लस टू आई नॉट इन टू बराबर थ्री आई नॉट ना,
इंटू ओमेगा ना कॉमन ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा? फोर फोर ओमेगा नॉट बाई थ्री आंसर है. और आप लोग देखे भी हो एक का बढ़ गया और एक का घट गया है, आना भी चाहिए था ये. अब ये इतना जब हो जाएगा स्लीपिंग सीज हो गई. सो स्लीपिंग सीज हो गई मतलब स्लीपिंग बंद हो गई और ये वैल्यू आ गया. एनर्जी लॉस निकाल लोगे? एनर्जी लॉस कितना है? एनर्जी लॉस के इनिशियल माइनस के, वो इज के इनिशियल 1/2 ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 2 I नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर. अभी ये इनिशियल है माइनस फाइनल 3 I नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर ना. कोई दिक्कत? कितना आया? आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई थ्री. इतनी एनर्जी लॉस हो गई स्लिपिंग के दौरान. ये वाला इस पे स्लिप करा था ना एक दूसरे पे से, और यह फ्रीली रोटेट कर रहा था यहां. इसके बाद एवरेज टॉर्क कैसे आएगा? किसी एक का निकाल सकते हैं. चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम. ये बताया था ना कि बहुत सारे जगह आपको इस तरह का मिलेगा. तो किसका नाम लेना ज्यादा अच्छा रहेगा? ऊपर वाले का. ऊपर वाले का बढ़ा है, ऊपर वाले का बढ़ा है, ज्यादा हुआ है. ये लोग तो नहीं आएगा. दोनों पर सेम आएगा, दोनों पर सेम आएगा. सो अपर डिस्क सेकेंड डिस्क ले लीजिए. इसके लिए अपर डिस्क फॉर अपर डिस्क टॉर्क एवरेज बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाई डेल्टा टी. वो इस फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब रख दिए थे साथ में घूमने लगा था तो फाइनल एंगुलर ओमेगा तो यही रहा होगा. हाँ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? अच्छा एक का लेना है. दोनों का ले लोगे तो जीरो आएगा. तब अलग कहना था एक का ना, एक दूसरे पर जो लगा रहे थे. सो टू आई नॉट फाइनल 4 ओमेगा नॉट बाई 3 माइनस 2 I नॉट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट. बताइए कितना लिखो? 2 I नॉट ओमेगा नॉट बाई 3 T नॉट एवरेज टॉर्क. ये तो तीन ही क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए इतना ही मैं पूछा. क्वेश्चन तो बहुत सारे चीज पूछे जा सकते थे. मैं तो बल्कि टी नॉट. अच्छा ये देखिए क्या क्या हो, बल्कि वो टी नॉट नहीं देता. हाँ तो बोल. लेकिन बहुत कठिन हो गया, मतलब वो उतना कठिन बनाया नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन लगेगा. और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा भी, है ना. वो शायद कोई पूछ भी रहा था, तुम ही पूछ रहे थे क्या? तो निकाल सकता है लेकिन उतना कठिन उसे नहीं बनाना था. तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे कर सके, लंबा ना हो या ऐसा ऐसा रहे कि सोच पाए. नहीं तो कोई जरूरत नहीं था कि टी नॉट या डेल्टा टी टाइम देते, निकाल सकते थे. तो यदि अच्छा मैं कहूँ कि अब टी नॉट दे ही दिया गया तो अल्फा तो अब इसी नहीं से आ जाएगा बिना किए हुए. कैसे अल्फा आएगा? इक्वेशन लिख लोगे? टी नॉट में ये हुआ होगा बढ़ बढ़ के, तो क्या लिखोगे? दिस बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी नॉट ना. तो आ तो गया ऐसे ही आ जाएगा. लेकिन फिर से वही मैं कह दूं कि अल्फा बताइए या टी नॉट बताइए कितने देर तक स्लिपिंग हुई है, कितना टाइम, मतलब ये निकालने की बात कर रहा हूं जो कि दिया नहीं था. दिया था और दिया नहीं रहेगा, पूछा रहेगा तब क्या होगा? करेंगे वो तो लास्ट में क्वेश्चन देगा, आप लोग करिएगा. तो ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा इसी में केस बना लें. यदि उल्टा रोटेट कर रहा हुआ लिखो तो केस बना लो.
इफ सेंस ऑफ रोटेशन इज अपोजिट, केस क्वेश्चन मत लिखो, केस बना लो, इफ सेंस ऑफ रोटेशन इज अपोजिट देन फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट में रुक जाएंगे, क्यों रुक जाएंगे? एक का मतलब ये कर रहा हूं ना, तो मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है और उस पर ऐसे घुमा के रखते हैं ऐसे, तो इसको प्लस मानेंगे हम लोग, तो इसको क्या लिखना होगा? माइनस, और जीरो हो जाएगा ये, तो फाइनल ओमेगा जीरो, फाइनल ओमेगा जीरो हो जाएगा। और मैं कहूँ कि हाउ मच एनर्जी लॉस, तो क्या हो जाएगा? जो भी टोटल रहोगे कुल लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये तो रहेगा नहीं, टोटल जितनी भी एनर्जी रहेगी दोनों का मिला के सब स्लीपिंग में लॉस हो जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स में ऐड कर दें इसी में, क्योंकि यदि टोटल एनर्जी लॉस्ट इज यूज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इफ मास इज एम एन टू एम एस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एस, हाउ मच रेज इन टेम्परेचर, तो जब हाँ तो जब भी कोई चीज ऐसे ऐड हो रोटेशनल का इसके साथ, मान लो तुम खूब पढ़ो, सर हमारा थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है, बताओ अच्छा है जो तुम्हारा केवल एमएसडीटी जानने से तो नहीं होगा ना, दो मिक्स हो गया, और ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा सा मिक्स हो गया, ऐसा हुआ कि हम लोगों को पता करना था कि क्या ओमेगा फाइनल, और तो पूरी एनर्जी यही लॉस है बराबर एम एस डेल्टा टी, तो एम एस डिवाइड करना था इसमें। सो किस तरह से कई टॉपिक मिल जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। अभी इमेजिन इसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि टी नॉट दिया हुआ था, अभी मैं बात किया था कि टी नॉट दिया हुआ था, ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिखिए, जिसमें वर्टिकल वॉल से लड़ा था उसमें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता और वर्टिकल वॉल रफ होता तो क्या होता? जाता लड़के चढ़ जाता उसी पर। अच्छा, जिस समय चढ़ रहा होता उसका फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता, क्योंकि नॉर्मल जीरो रहता रफ रहने के बावजूद भी, क्यों नहीं फ्रिक्शन लग रहा होता? नॉर्मल जीरो, नॉर्मल तो इंपल्सिव उसी समय लगा होगा जिस समय लड़ा होगा वो, जब चढ़ने लगा होगा तो नॉर्मल कितना हो गया होगा? कैसे कर सकते हैं नॉर्मल जीरो? नॉर्मल दो केस में लगता है, एक केस में लगता है वो फ्रिक्शन वाला, दो केस याद रहा, नॉर्मल केवल एक केस में लगता है, कब? जब कोई बॉडी नॉर्मली किसी की ज्यादा हो इनटू द बॉडी का डायरेक्शन में और कोई जाने न दे, तभी नॉर्मल लगता है, और कोई केस नहीं होता है। यदि मैं इसको जी से एक्सेलरेट कर दूं अपने हाथ को तो नॉर्मल जीरो होता है कांटेक्ट में होने के बावजूद भी, यदि मैं दोनों को ऐसे छोड़ दूं तो नॉर्मल जीरो होगा इन दोनों के बीच में। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जब कोई बॉडी जाना चाहे कोई रोकेगा तभी ना, अभी ये नॉर्मल लग रहा है कि नहीं? क्यों लग रहा है? क्योंकि नॉर्मल को छोड़ के बात कर लो, जब भी कोई एक फोर्स के बारे में पता ना चले, जैसे फ्रिक्शन के बारे में पता ना चले तो उसको छोड़ के हम लोग बात करते हैं कि क्या हो रहा है, स्लीपिंग पता करते हैं फिर लगा देते हैं, ही करते हैं, स्मूथ मानते क्यों है? क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन छोड़ के बात करना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, और फ्रिक्शन रहता तो क्या कर देता है, तो लगा देता फ्रिक्शन और कहती स्लीपिंग हो रहा होगा, तो यही करते इसीलिए करते हैं। तो फ्रिक्शन नॉर्मल नहीं पता चल रहा है तो उसको छोड़ लीजिए, हटा लीजिए उसको, नॉर्मल मत लगाइए, तो एक एमजी फोर्स केवल लगने लगेगा मेरे ऊपर, तो मैं जाने लगूंगा, ये जाने नहीं दे रहा है तो उसी को रोक रहा होगा।
तो जब ये चल रहा होगा एक बार नॉर्मल जो लग गया होगा जब चढ़ने लगा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज इधर जाना चाह रहा था वो तो इसलिए लगा था क्योंकि सही में जा ही रहा था ना उधर। सो नॉर्मल कब लगता है समझ में आ गया? नॉर्मल तब लगता है जब कोई बॉडी किसी बॉडी के अंदर वाले डायरेक्शन में, अंदर वाले कब बोलेंगे? नॉर्मल के लॉन्ग, सरफेस एलॉन्ग नहीं, नॉर्मल के लॉन्ग, अंदर जाना चाहे बॉडी के और वो जाने ना दे तो क्या लगा के अपोज करती है बॉडी? नॉर्मल लगा के अपोज करती है। यहाँ पे वही केस है, लिफ्ट में फ्री फॉल हो, लिफ्ट के फ्लोर पे कोई ब्लॉक रखा हो, लिफ्ट फ्री फॉल हो तो टच में रहते हुए भी नॉर्मल नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई बॉडी जाना चाह रही है, कोई रोक रही है, वो भी तो जा ही रही है यार, फ्लोर का भी तो, लिफ्ट का भी तो फ्लोर जा ही रहा है। हाँ, पकड़ के धीरे धीरे लेके जाओगे तब ठीक, तब तो दिक्कत हो जाएगा, वो ज्यादा तेजी से ब्लॉक जाना चाह रहा होगा जी से, तुम दो से लेके जा रहे हो, डिस्कस किया हुआ, फिर से याद दिला रहा हूं तुम्हें। तो क्वेश्चन किया समझ में गया? और बता सकते कितना हाई तक चढ़ेगा? फिर से वही उसी से क्या निकालोगे? वी वाई। इस बार वी वाई में 2 MV0 नहीं रहेगा, केवल MV0 रहेगा। सो कितना रहेगा? μ MV0। कितना वर्टिकल? तो जो μ MV0 से ऐसे गया हुआ तो बता देना कितना गया होगा। जाते समय तो फ्रिक्शन लगना भी नहीं था यार, क्यों नहीं लगना था समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन लगने के लिए कम से कम n तो होना ही चाहिए, और जब n ही नहीं है रफ होगा तो भी, जब n ही नहीं है तो जब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो फिर सोचोगे लगेगा कितना, लिमिटिंग की वैल्यू 0 हो गई यार। फ्रिक्शन कहा जाता है लिमिटिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर लिमिटिंग ही 0 करो अब क्या लगेगा? लेकिन शुरू में इस समय लगा होगा ना, इस समय लगा होगा। तो क्वेश्चन लिखिए, ये भी कोई मैं सब करवाने वाला था तो कई बच्चे आके पूछने लगते हैं सर, मान लीजिए नोट से घूम रहा है सॉलिड स्फीयर है, एज शोन इन फिगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी initial angular velocity of solid sphere is omega naught at the corner of rough horizontal and vertical wall, at the corner of rough and vertical, rough horizontal and vertical wall, at the corner of rough horizontal and vertical wall, then find time of rotation, then find total time of rotation, then find total time of rotation, then find total time of rotation, also find angular retardation, also find angular retardation and total number of revolution, also find angular retardation and total number of revolution. क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये तो कर भी सकते हैं घर पे, एक बॉल को लेके किनारे जाके ऐसे ऐसे करके छोड़ दीजिएगा वहां पे किनारे में, ऐसे थोड़ी देर में रुक जाएगा वो घूम के। अच्छा ऐसे कर दे तो क्या हो जाता है? यहाँ पे ऐसे कर दे तो भाग जाता है उधर, ऐसे ही ना, जल्दी करिए। क्वेश्चन तो ऐसे छोटा क्या बनता है देखो तो, इधर देखो क्या क्या बनता है, केवल मैं यहां पे न्यू देता तो भी एक क्वेश्चन बनता है, यहां स्मूथ दे देता, यहां पे रफ देता और यहां पे स्मूथ दे देता तो भी क्वेश्चन बनता है, और दोनों जगह रफ दिया हो तो भी क्वेश्चन बन रहा है, और इसको μ1 और इसको μ2 दे देता तो भी क्वेश्चन बनता है।
तो सबसे कठिन न्यू और मीटो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ऐसे हो सकता था कि यहां पे म्यू दे देता तो टी वन टाइम में रुके, यहां पे म्यू दे दे तो टी वन टाइम में रुके। टी वन टाइम में क्या है, ये इन्फाइनाइट टाइम रुके, रुकेगा ही नहीं, ये रुकेगा ही नहीं, केवल यहीं पे ही हो सकता है। वहां पे क्यों दिक्कत है, यदि स्मूथ दे दे और यहां पे रफ दे दे तो क्या होगा बताओ, नॉर्मल जीरो, नॉर्मल जीरो तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो वहीं पे घूमता रह जाएगा। क्लियर, क्यों नॉर्मल जीरो बताओ, अरे अंदर जाना नहीं चाह रहा तो नॉर्मल लगेगा क्यों भाई, लेकिन जब यहां पे न्यू दू यहां पे स्मूथ तब रुकेगा, क्यों रुकेगा बताओ, एमजी से तो नॉर्मल लगेगा हमेशा, तब रुकेगा है ना। फिलहाल करो ये, चलो ये तो मैं ऐसे ही डिस्कस किया ताकि आपका थोड़ा सेंस और अच्छा हो जाए। अपॉन आर न्यू न्यू प्लस वन, अच्छा इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसा तो नहीं कि वो टॉपिक चल रहा था तो वही वाला सोचने लगे, खत्म हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत हुआ, खत्म हो गया वो। अब मैं ऐसे एक तो दे देता हूँ, एक तो क्वेश्चन दे दूंगा, घर से करके ले जाएगा, अगले क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत हुआ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अलग है ये। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं लगेगा, अरे कुल टॉर कोर लग रहा है, अब कौन सा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, केवल एक इक्वेशन लगेगा और हो जाएगा उसके नाम पे टाउ बराबर आई अल्फा, और एक इक्वेशन नहीं ए बराबर ए में बैलेंस वाला भी तो करना पड़ेगा। सही है, अच्छा ये बताओ ये वाला पॉइंट गलत है क्या कि फ्रिक्शन यहां भी नहीं लगेगा क्योंकि इधर जा नहीं रहा है, कैसे, जब यहां पे घूम रहा होगा तो यहां पे तो नॉर्मल है ही, यहां नॉर्मल होने का कारण एमजी है तो यहां पे नॉर्मल है ही, और क्योंकि इधर इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा ही, और फ्रिक्शन इधर लग रहा है पर जान नहीं पाएगा तो यहां पे तो नॉर्मल लगना पड़ेगा। क्लियर, अब करो, अब करो, पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है। चलो मैं करता हूं, देखो ये देखो मैं फ्री बॉडी ग्राम बनाता हूं, देखो तो अभी तुम चेक करो तुम्हें गलती क्या हो गया है, नीचे mg ऊपर n1, और क्योंकि ये ऐसे घूम तो रहा ही है तो यहां स्लीपिंग है, और देखो इधर स्लीपिंग है, देखो इधर स्लीपिंग है तो इधर देखो f1, और ये भी सुनो ये भी सुनो ये f1 न्यू n1 है, मैक्सिमम वाला है कि वो स्लीपिंग है। अच्छा यदि ये यहां पे ऐसे फोर्स लग रहा है फिर भी ये जा नहीं रहा है इधर तो ये देखो n2 ठीक है,
और क्योंकि सरक रहा है यहां पर, तो नीचे सरक रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, और ये है, और ये भी सुनो म्यू इनटू, ये भी मतलब फिक्स है म्यू इनटू। क्यों म्यू इनटू क्यों मैक्सिमम लगा दे रहा हूं, स्लीपिंग है, ये नहीं कि देखना है ना। दो तरह का फ्रिक्शन का स्टडी होता है, सरक रहा है कि नहीं, सरकेगा कि नहीं, है ना, सरक रहा है कि नहीं, या फिर नहीं सरक रहा है तो कुछ और के, सरक रहा होगा तो कुछ और स्टडी करना होता, सरक रहा है तो मैक्सिमम लगाओ। यहीं पे घूम घूम के इसको रुकना था, इक्वेशन लिखते हैं, एनएलएम का इक्वेशन लिखते हैं जिसमें रोटेशनल का, फ्री बॉडी डायग्राम में भले ही थोड़ा बहुत रोटेशनल टाइप का सोचना पड़ा, लेकिन अभी मैं जो लिखने जा रहा हूं उसमें रोटेशनल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं चल रहा है, क्योंकि नहीं चल रहा है तो बैलेंस करें जरा, इधर उधर बैलेंस करो, तो N2 बराबर म्यू एन वन, ये समझ में आ रहा है, कहिए तो एफ वन लिख दें सही है, N2 बराबर F1 एंड दैट इज म्यू एन वन। जरा इधर देखो, देखो N1 प्लस म्यू एन टू बराबर mg, ये मत गलत हो गया तुम लोगों से जल्दी जल्दी में, सही ना। अच्छा, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा था और टॉर्क इसका इधर लग रहा है और इसका भी इधर रहा है, तो क्यों रुक रहा है समझ में, अल्फा इधर है टॉर्क, ओमेगा अबाउट ओ, टाऊ अबाउट ओ, आई अबाउट ओ, अल्फा अबाउट ओ, जरा बताओ तो इसका टॉर्क इधर बताओ, बाहर है बताओ टॉर्क, म्यू इन टू इंटू आर, और ये भी शेष वही है क्या, प्लस म्यू एन वन इंटू आर बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। क्या इनको सॉल्व कर सकते हो, हाँ सॉल्व करो तो, इन तीनों को सॉल्व करो, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है ना, अल्फा बहुत कुछ पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल कितना, एक तो ऑप्शन एम जी भी दिया रहेगा, और एम जी आंसर एम जी से कम है। मैं एन वन भी पूछ सकता हूं और एन टू भी पूछ सकता हूं, टाइम ऑफ रोटेशन पूछ सकता हूं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ सकता हूं, सारा चीज, एनर्जी लॉस। तो जरा सॉल्व करिए ये सब एक दूसरे में पुट करके, अब मैं सॉल्व थोड़ी करूंगा यार, सॉल्व करने का तरीका बताता हूं तुम लोगों को, एन टू म्यू एन वन रख लो यहां पे, हाँ तो एन वन आ जाएगा, हाँ अच्छा एन वन आ जाएगा तो एन टू भी आ ही जाएगा, है और एन वन एन टू आ जाएगा तो यहीं पर रख लोगे, और यहीं पर रख लोगे तो अल्फा आ जाएगा, है ना। फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूं एन टू एन वन के टर्म में रख लोगे तो एन वन आ जाएगा, एन वन आ जाएगा तो फिर एन टू आ ही जाएगा, उन दोनों को जब यहां पर रख लोगे तो अल्फा आ जाएगा, तो आ जाएगा तो करो, तो अल्फा कितना आया बताइए, फाइव जी ब्रैकेट में म्यू प्लस वन बाय टू आर म्यू स्क्वायर प्लस वन, ऊपर में केवल क्या हुआ, केवल 5μg होगा, ये सही नहीं है, अच्छा म्यू भी रहेगा यहां, यहां म्यू भी रहेगा, फाइव जी म्यू इंटू म्यू प्लस वन बाय दिस ना, कैसे मिस्टेक हो गया तुम्हारा, कहीं छूट गया
अच्छा ये बता सकते हैं कितने देर में रुक जाएगा ना, केवल क्या लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। रुकने वाला एक क्वेश्चन लगा रहा हूं, अल्फा कॉन्स्टेंट है, अल्फा कॉन्स्टेंट है, रिटार्डेशन है, उल्टा है, नौवीं क्लास का वी वाला लिख रहा हूं लिख है ना। अच्छा लिखूंगा ओमेगा वाला, सोचूंगा वी वाला। सो कितने देर में रुक जाएगा, कितना कितना एंगुलर रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद रुकेगा मालूम है, वी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस टू अल्फा थीटा, थीटा बराबर सही है, कितने नंबर ऑफ चक्कर के बाद रुकेगा, हाँ थीटा बाई टू पाई नंबर ऑफ रिल्यूशन, एनर्जी लॉस टोटल जो शुरू में रहे कुल खत्म, फिर से वही इफ टोटल एनर्जी लॉस इज यूज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी देन व्हाट इज द टेम्परेचर रेज ना। अच्छा ये जब लिखा रहा था ना, लिखा रहा था कि तो बाकी सराउंडिंग से रेडिएशन नहीं हुआ चाहे टोटल हीट यूज हुआ, ये इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि रियली में ये नहीं होता है ना, दूसरे में भी यूज होता है, तो जब ये लिखा रहता है तो बल्कि वो और आसान बनाता है, और आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों को लगता होगा कुछ घातक टाइप का लिखा है, टोटल एनर्जी इज यूज्ड, टोटल एनर्जी लॉस इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर, तो दिमाग में क्या आता है कुछ ऐसा लिखा है जो हमको नहीं आता है। ये समझ में आया आप लोगों, क्वेश्चन लिख लीजिए घर से कर लीजिए। इफ इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज गिवेन टू द डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, kept horizontally on horizontal rough surface where coefficient of friction is mu, मेंशन नहीं कर रहा हूं कि इन बिटवीन द डिस्क एंड सरफेस एक ही बात है, फिर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, देन फाइंड एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा, हाँ पहला पार्ट एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा टोटल टाइम ऑफ रोटेशन, अगला पार्ट टोटल टाइम ऑफ रोटेशन टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन डिस्क
net torque acting on disk. Last लिख लो average torque acting on it. Average torque acting on the disk. Average torque acting on the disk. क्वेश्चन समझ में आ गया? आप लोग डिस्क कैसे देखो, मान लो ये डिस्क है तो ऐसे डिस्क ऐसे ही रखा हुआ है. डिस्क कई तरीके का रखा जा सकता था, तो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डिस्क ऐसे नहीं रखा हुआ है, डिस्क ऐसे ही रखा हुआ है और उसको ऐसे नचा दिए ऐसे, तो थोड़ी देर में रुक जाएगा. कॉपी ही मान लो, कॉपी को डिस्क तो ऐसे नचा देंगे तो थोड़ी देर में कॉपी रुक जाएगी. क्वेश्चन समझ में आ गया? और वो थरिया नचाए हैं, और थरिया जानते हो क्या होता है? थाली. तो जब आप घर पे गांव में रहते, गांव में क्या है, नचाते हो गए? जब खाना नहीं मिलता होगा तो नचाते ही हो गए. लेकिन गौरव तो एक गांव में इतना ज्यादा उसको कंकड़ पत्थर से रगड़ते हैं सब, तो उसमें गड्ढा उड्ढा हो जाता है, तो नचा हो रहे तो भागने लगता है इधर उधर. कितने लोग देखे हो भागते हुए थरिया को? तुम नहीं देखे हो? लड़कियां थोड़ी सीधी होती है ना, तो सब नचाती हो जाती नहीं है सब. अच्छा है, बड़ा लगाओ तो थरिया से लगा होगा. मजाक कर रहा हूं ऐसे. बहुत अच्छी चीज है वैसे. कहीं कहीं पे लिखा था कि उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए जो किसान के ऊपर और उन माओ के ऊपर लिखा हुआ था जो आपके लिए खाना बनाती है. इमोशनल स्टेटमेंट था कि दोनों की इज्जत हमेशा करनी चाहिए जो इस अन्न को उपजाता है और जो ये बना के आपके सामने परोसता है. यू नो परोसना, कोई चीज जानते हो? अच्छा, आप लोगों को आइडिया है जो क्वेश्चन दिया उसको समझ में आ रहा है? हाउ मच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क. ऐसे नचा दिए ऐसे तो यहीं पे घूम रहा होगा. हाँ, आंसर है जीरो, क्योंकि नेट फोर्स के लिए आपको कहीं भी कोई नेट फोर्स पूछे तो आंसर होता है मास इनटू एसीएम. क्या आता है? कहीं पे भी होता है. कहीं पे मतलब कहीं पे. हाँ, तो जब जब घुमा दोगे से तो सेंट्रल मास वही रहेगा. तो एसीएम जीरो रहेगा तब नेट फोर्स जीरो रहेगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा तो जो ओमेगा नॉट होगा वो रुक रहा होगा. अब ये आप लोगों को टॉर्क नेट फोर्स जीरो क्यों है समझ में आ गया? आपको मैं बता दूं, जिस समय ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे जब ऐसे घूम रहा होगा ये, तो फ्रिक्शन ऐसे घूम रहा होगा तो फ्रिक्शन ऐसे ऐसे लग रहा होगा, और यहां पर ऐसे लग रहा होगा तो यहां पर ऐसे लग रहा होगा, ऐसे ना. और सब डायमेट्रिकली अपोजिट सब कैंसिल कर रहे होंगे और नेट जीरो होगा. रीजन ही बता रहा हूं, बाकी तो आप ऐसे सोच सकते थे कि कहीं पे भी मास इनटू एसीएम नेट फोर्स होता है. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अलग अलग अपना इक्वेशन होता है. एफ बराबर एम ए का टाउ बराबर आई अल्फा से कोई लेना देना नो लेना देना. मतलब इसका उससे कहीं पे भी नेट टॉर्क जीरो हो सकता है और नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है. कहीं पे नेट टॉर्क जीरो नहीं हो सकता है, कहीं पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है, कहीं पे दोनों जीरो हो सकता है, कहीं पे दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं. और हम लोग इतने दिन से यही करते भी आ रहे हैं. टॉर्क क्यों लगे समझ में आ रहा है? जिस समय ऐसे घूम रहा होगा ऐसे, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा ना, तो सबका सब जगह टॉर्क एक ही तरफ होगा. फोर्स तो कैंसिल होकर जीरो होगा, लेकिन टॉर्क एक ही तरफ होगा. घूम रहा होगा ऐसे, टॉर्क हर जगह ऐसे, और एंगुलर रिटार्डेशन होगा. तो थोड़ा बता दिए कैसे सोचना है, करके लेके आइए.